हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम टाइम क्लासेस एंड मार्शल इंस्टीट्यूट कंबाइंड क्लासेस. और कैसे हैं आप सब? ओके, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें से हमने उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोगों ने डिस्कस करी थी. और उसके रिलेटेड मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल्स भी कर लेना. होप कि आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने शुरू कर दिए हैं. इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज प्लीज कॉन्टेक्ट मी. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नेम है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर भी आप कह सकते हो. लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे अबाउट द डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन सबने पढ़ी है, बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो. तो डिफ्यूजन क्या है? लाइक कि आप रूम के एक कॉर्नर में खड़े हो और आपने परफ्यूम अप्लाई किया है, तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है रूम के सेकेंड कॉर्नर पे या फिर रूम के बाहर तक भी आपको इजिली पहुंच जाती है. आपको समझ आती है कि किसी ने तो परफ्यूम अप्लाई किया है. तो व्हाट इज दिस? बेसिकली ये डिफ्यूजन ही है, जिसमें क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, सॉल्यूट पार्टिकल्स लाइक कि आपने जो परफ्यूम यूज किया है, सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है, तो जिसमें हम लोग एयर को कंसिडर कर सकते हैं कि एयर के मॉलिक्यूल्स में जब परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स एडअप हो जाते हैं, पार्टिकल्स एडअप हो जाते हैं, इंटरमिक्स, बेसिकली हम लोग बोल देते हैं एक वर्ड, इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो होता है डिफ्यूजन. सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मीन्स, होमो मीन्स सेम. सो होमोजीनियस जिसमें हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, हमें अलग अलग नजर नहीं आते. राइट, सो आवर मेन टॉपिक इज नाउ ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस हम कह सकते हैं कि समथिंग लाइक डिफ्यूजन, बट ये डिफ्यूजन प्रोसेस से बिल्कुल थोड़ा अलग जाएगा. इसमें क्या है कि जैसे आपको एक डायग्राम दिख रही है, मैं आपको डेफिनेशन बाद में ही समझाती हूं. तो पहले ये अगर डायग्राम देखें तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया हुआ जिसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में, और जो पार्टीशन है वो मैंने करी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से. सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स परमिशन देने वाली, और मेम्ब्रेन आप थिन लेयर कह सकते हो. बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इजिली समझ आ रहा होगा, लेकिन जो केमिस्ट्री के, जो मतलब मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट करी हुई है, बायो नहीं पढ़ी, तो उनके लिए ये आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है बट वेरी इजी. सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक वो थिन लेयर जो इजिली परमिशन दे देगी, लेकिन हाफ मीन्स कुछ एक पार्टिकल्स को. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग एज इट इज जो दो बातें कर रहे हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है इन केमिस्ट्री सॉल्वेंट पार्टिकल्स को परमिशन देना. ठीक है, किधर से किधर जाना है? एक आप देख रहे होगे कि मैंने ये हायर कंसेंट्रेशन शो करी हुई है, एक साइड पे लो कंसेंट्रेशन शो करी हुई है. तो ऑस्मोसिस अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास ऑस्मोसिस में ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, थिन लेयर है, ये सिर्फ लो कंसेंट्रेशन वाली साइड पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही परमिशन देती है कि वो लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ चले जाएं, फ्लो करें. ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बायोलॉजिकल के स्टूडेंट जो हैं सो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बायो में क्या होता है कि हमारे पास ऑस्मोसिस में नॉर्मली ये पढ़ाया जाता है कि पार्टिकल्स जो है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे. लेकिन बेटा ये केमिस्ट्री का टॉपिक है तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा चलना पड़ेगा. केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमेशा यहाँ पे क्या है, ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं. सो ऑस्मोसिस इज द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, और वी कैन से फ्रॉम द लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. राइट, सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हमारे पास दो तरह की होती है.
मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बताना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है और इसका काम क्या है और ये कितने टाइप्स की जस्ट होती है। जैसे नेचुरल आर्टिफिशियल में दो तरह की जैसे आ जाती है, नेचुरल में वेजिटेबल एनिमल मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, इनकी जो स्किन होती है आउटर स्किन उसकी नीचे वाली साइड पे हमारे पास ऑस्मोसिस प्रोसेस चलता रहता है। फिर आर्टिफिशियल होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं पार्चमेंट पेपर की, सेलोफेन की, ठीक है, कोबाल्ट निकल एक्सेट्रा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज योर ऑस्मोसिस प्रोसेस, और जिसमें सबसे ज्यादा मेन रोल होता है, मैंने आपको बता दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, जो भी दो तरह की मैं बता चुकी हूँ आपको। सो उसके बाद क्या है बेटा, देखो हमने लास्ट जो डिस्कस किया कि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल जा रहे हैं, अब हायर कंसेंट्रेशन में ऑलरेडी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक रूम है और उसमें सिर्फ 20% हम लोग 20% है जो इजीली हम लोग उनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजीली ये भी नहीं कि उसमें थोड़ी जगह ज्यादा रहेगी, नॉर्मल जो है सिटिंग प्लान है तो आप उसमें 20% को बिठा दो, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें 10 जने और एड अप करने हैं तो क्या होगा कि धक्के से हो तो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी कंसेंट्रेशन जो थी ओके थी, या फिर कह लो कि ऑलरेडी ज्यादा ही थी पहले ही, और 10 और ज्यादा भेज दोगे आप बंदे उस रूम में तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर वो धक्का मुक्की करेंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम और ऑन ईच अदर। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि जब हायर कंसेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स और ज्यादा एडअप होंगे तो वहां पे क्या रहेगा कि हर एक पार्टिकल, ये कह लो मॉलिक्यूल, एक अपने एक दूसरे के ऊपर या फिर जो कंटेनर है उसकी वॉल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसको हम नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं, जो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है, कुछ नहीं, हमने दो बीकर लिए हैं, बेसिकली एक ही बीकर है और उसमें क्या है थिस्टल फनल को रख दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने शो करी हुई है, ठीक है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, बाहर से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो अंदर जा रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ कर रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फनल के अंदर जाने के लिए। अब जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर जाएंगे थिस्टल फनल के, तो वहां पे कंसेंट्रेशन हाई होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और वो एक पॉइंट तक ही पहुंचेगी और बाद में स्टॉप हो जाएगी, फाइन। अब वो जो हाइट उसने गेन कर ली है वो मैंने शो करी है यहां पे एच, जहां पे ये डायग्राम क्या बताएगी कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन थिस्टल फनल और ऑन द वॉल्स ऑफ द थिस्टल फनल, तो वो प्रेशर जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में यही आ रहा है, इट मे बी डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, फाइन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमने समझ लिया कि क्या होता है, लेकिन अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अगर एक्सप्रेशन करना है तो वो समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो इसको पी या फिर पाई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा एक तो कंसेंट्रेशन के, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड होते जाएंगे वो क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर या फिर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन उतने ज्यादा प्रेशर। तो दूसरा वो डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर पे कैसे, क्योंकि टेम्परेचर का काम क्या होता है, बोन्स को ब्रेक करना। अब भाई बोन्स जब ब्रेक होंगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, और वही बात कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रिलेशन में प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा कंसेंट्रेशन के और
टेम्परेचर के. अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको मैं आर से लिख सकती हूँ, ठीक है. और इस कांस्टेंट की वैल्यू आप न्यूमेरिकल्स के लिए 0.0821 लीटर पर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल ले सकते हो, राइट. खुशी वाली और मजे वाली बात ये है कि आपको इस टॉपिक में सिर्फ इस फॉर्मूला के रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, ज्यादा नहीं निकालने, तो ये बहुत इजी चला जाएगा टॉपिक आपके लिए. सो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी हुई है, विच इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इन टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है सो दैट कि सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में से और ज्यादा ना एंटर कर पाए, किसमें, टूवर्ड्स अ हायर कंसंट्रेशन और टूवर्ड्स अ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, सो हमने ऑस्मोसिस कर लिया. ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल क्या है वो पढ़ लिया. ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ लिया. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में सबसे पहले एंडोस्मोसिस और फिर एक्सोस्मोसिस आती हैं. सॉरी, एज वी नो एंडो मीन्स एंट्री, एक्सो मीन्स एग्जिट, जो कि आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में पढ़ते हो नॉर्मली, तो वही इसमें भी जाएगा कि एंडोस्मोसिस मींस द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट मींस रियल ऑस्मोसिस जो है वो प्रोसेस है इसमें जाएगा. और एक्सोस्मोसिस में क्या है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी कह देते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ नीचे. रिवर्स ऑस्मोसिस इट इज अ प्रोसेस बाय विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स पासिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द नेचुरल ऑस्मोसिस व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे साथ साथ में दी हुई है. एंडो में आपकी एग्जाम्पल मैंने दी हुई स्वेलिंग ऑफ रेसिन्स प्लेस्ड इन वाटर. जैसे नॉर्मली घर पे सबने ये प्रोसेस देखा होगा, सुना होगा, किया भी होगा कि जब आपको सिंपल पता है मेवा सोगी आप लेते हो, अगर उसको आप पानी में रखते हो रात भर तो वो सुबह फूल जाती है, स्वेल्ड हो जाती है. वो क्यों होती है? ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है. ऐसे ही एक्सोस्मोसिस की एग्जांपल मैंने दी हुई है, रिवर्स ऑस्मोसिस की एग्जांपल्स भी दी हुई है. रिवर्स ऑस्मोसिस सिंपल ईयर आरओ जो कि सबके घर में है उसके बारे में भी सबको पता है, ठीक है. सो ऑस्मोसिस डन, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस डन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डन. नाउ वी विल डिफाइन थ्री नॉर्मल डेफिनेशंस जो कि यूज होती है हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस में. तो सबसे पहले हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस जिसमें हमारे पास अगर सॉल्यूशन को सेम टेम्परेचर पे रखा जाए, लेट अस सपोज इफ वी आर हैविंग थ्री सॉल्यूशंस लाइक ए बी एंड सी, और अगर तीनों सॉल्यूशंस को सेम टेम्परेचर पे रखें और हमारे पास सेम टेम्परेचर वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करते हैं तो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन सेल के इंटरनल साइड पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द आउटर साइड ऑफ द सेल. वेयर एज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज ग्रेटर एट द आउटर साइड ऑफ द सेल रादर देन इनर साइड. सो आफ्टर दिस विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑस्मोसिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज वी नो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं जिनमें कि फ्लूइड होता है फॉर ऑस्मोसिस प्रोसेस, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि लाइक सेमी परमिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह की होती है, वन इज एनिमल एंड वन इज आर्टिफिशियल. तो एनिमल मेम्ब्रेन जो होती हैं उनमें क्या है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होता रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हमारे पास फ्लूइड अगर तो इनफ्लो करता है इन द सेल्स
तो वहां पे इस प्रोसेस को हम लोग टर्जर कह देते हैं. लेकिन अगर वही सेल में आउटफ्लो होता है अगर फ्लूइड का या वाटर का कह लो, तो उस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, जिसमें हमारे पास दोनों केसेस में अलग अलग रिजल्ट्स ये होते हैं कि अगर तो इनफ्लो हो रहा है तो वो स्वेलिंग लाइक हो जाएगा, सम वो एब्जॉर्प्शन होगी तो स्वेल्ड आउट होगा सेल. बट अगर हम लोग बात करें प्लाज्मोलिसिस की, तो वहां पे क्या होगा, ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ द पार्टिकल्स और यू कैन से आउटफ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल, तो वहां पे श्रिंकिंग हो जाएगी सेल्स में. फाइन, तो ये बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस थी ऑस्मोसिस प्रोसेस की. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम examples of osmosis in the case of plants and animals. अगर मैं इससे पहले आपके पास एक example बताऊं आपको simply osmosis की, क्योंकि osmosis process जो है हमारी daily routine में काफी बार use होता है, लेकिन हम लोग को नहीं पता, क्योंकि process के बारे में ही नहीं पता था, तो हम लोग नहीं रिकग्नाइज कर पाते हैं ऐसी चीजों को डेली रूटीन में. तो मैं आपको बता दूं, जैसे पुराने टाइम पे अगर बात करें तो दादी या नानी माँ या मदर्स भी इन सम होम्स वो क्या कहते हैं कि लाइक हमारे पास अगर रेडिश है, जिस दिन लेके आए हैं, काट लो, खा लो, खत्म कर लो, फ्रेश है, अच्छी है, बाद में मुरझा जाएगी. लेकिन पुराने जमाने में क्या कहते थे, अगर दो तीन दिन पड़ी भी रह गई है, वो मुरझा गई है, वो ढीली सी पड़ गई है, तो क्या कहते थे कि पील ऑफ करके रेडिश को थोड़ी देर पानी में रहने दो. तो होता क्या था कि वो रेडिश पानी में जब पील ऑफ करके रखते थे तो वो ठीक हो जाती थी. उनके टाइम पे उनको नहीं ये पता कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है, बट आज के टाइम पे सबको ये पता है, ठीक है, कि ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस के कारण हो रहा है. आज भी अगर तुम लोग कोई मुरझाई हुई मूली को, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अगर मुरझाई हुई मूली को आप पील ऑफ करके पानी में पड़े रहने दोगे तो वो थोड़ी ठीक हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडिश में क्या है, कंसेंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है. अगर हम उसको पानी में रखते हैं तो पानी में कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं इनफ्लो कर जाते हैं रेडिश में, जिसके कारण वो फिर से ठीक हो जाती है, थोड़ी फ्रेश नजर आती है. तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस ही होता है जिसकी वजह से ये सब होता है. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस और भी बहुत जगह तुम लोग को डेली रूटीन में देखने को मिलता है. तो आज के बाद आप देखना कि कहाँ कहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो हो रहा है, और ये भी देखना कि वो एंडो ऑस्मोसिस है या फिर एक्सो ऑस्मोसिस. फाइन, सो आइए देख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, कि कैसे प्लांट्स जैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर, ठीक है, कैसे एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की थ्रू द रूट्स, तो ये प्रोसेस भी ऑस्मोसिस के अंडर ही आता है. फिर हमारे पास प्लांट्स के रूट्स अगर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से वाटर, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक भी पहुंचता है. सिमिलरली एनिमल के केस में भी यही होता है कि एनिमल्स के केस में भी सारा वाटर की अगर बात करें तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है. तो ये सारा इफेक्ट जो है ऑस्मोसिस का ही होता है. फाइन, और भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं लाइक द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है हेल्प करता है अलग अलग पार्ट्स तक फ्लावर के या प्लांट्स के या एनिमल्स के उनकी मूवमेंट अच्छे से हो पाए, तो वाटर या फिर कुछ और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है जरूरी होते हैं तो वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं, सो दैट फंक्शनिंग अच्छे से होती रहे. सिमिलरली बर्स्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस. ये सुना तो बहुत बार होगा आपने कि वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? ड्यू टू ऑस्मोसिस. क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफ्लो ज्यादा है, ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसके कारण वो बर्स्ट हो जाते हैं. फाइन, सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दी हैं, लेकिन अभी आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस के रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स आपको घर में से ही ढूंढनी है. अब तो वैसे भी घर पे ही रहते हो, तो थोड़ा एक तो काम करवाओ, मम्मा के साथ उनकी हेल्प हो जाएगी, प्लस आपको ऑस्मोसिस
प्रोसेस के रिलेटेड काफी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस के रिलेटेड एक तो ये सारा खत्म करना है, काम असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, प्लस उसके बाद आपने इसके न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, और एक एक्स्ट्रा और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मैंने काम दिया है आपको कि आपको उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी ढूंढनी है। ओके, थैंक यू सो मच।